नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंग जाऊं तेरे रंग में। इस सीरियल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखिए, धानी फ़ोन करके बुलाती है बानी उसको, ध्रुव को, कि ध्रुव तुम यहाँ पे आ जाओ। यानी उसके उसको कुछ ऐसी बातें बोलती है। ध्रुव नाराज़ होकर भागते हुए चला आता है और बानी यहाँ पे छुप रही होती है। यानी धानी तो यहाँ पे छुप रही होती है। बोलती है कि ध्रुव मुझे देखेगा तो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाएगा, पर मुझे हार नहीं मानना चाहिए। मुझे तो ध्रुव को सच्चाई बताना ही होगा। मुझे ध्रुव की ज़िंदगी में लौट के जाना होगा। ध्रुव वहाँ पे दौड़ते हुए जाता है और इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि यहाँ पे मुझे धानी किस लिए बुलाई है, और धानी को ढूंढ रहा होता है। धानी छिप के खड़ी होती है, ध्रुव पकड़ के खींचता है वहाँ पे। और धानी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती है मैं अब क्या बोलूँ। तो वहाँ पे बोलता है ध्रुव, तुम्हारा अब क्या चाल है, तुम यहाँ पे मुझे जल्द से बता दो और तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, क्यों बार बार लौट लौट के आ रही हो। धानी बोलती है अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा सच्चाई दिखाने वाली हूँ जो मेरी मेरी ज़िंदगी में दरार बन के आया था और दरार बन के भाग चला जाएगा यहाँ से, और तुम मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौट के चली आऊँगी। इस तरीके की बातें कर रही होती है। ध्रुव चुप करके खड़ा होता है, बोलता है चलो तुम्हारा ये भी तुम्हारे साथ दे रहा हूँ, तुम कौन सा चाल चले इसमें साथ दे रहा हूँ, फिर तुम मेरी ज़िंदगी में कभी भी लौट के नहीं आओगी। धानी तो यहाँ पे पूरा हाँ बोल देती और उसे ले के जा रही होती है। बोलती है जिस गाड़ी से मुझे एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे उसे सृष्टि मिलने वाली है, यानी दीदी मेरी मिलने वाली है, एक होटल है वहाँ पे आएगी, तुम्हें वहाँ पे मेरे साथ चलना होगा, मेरी मदद करोगे। ध्रुव मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वहाँ पे जाता है, जा रहा होता है वहाँ होटल में। वहाँ पे धानी बोलती है कुछ है ऐसा मास्क है जो अपने चेहरे पे लगा लो आँखों पे, ताकि यहाँ पे सृष्टि मुझे पहचान ना पाए। और सृष्टि भी कोई कम होशियार नहीं है, वो भी मास्क लगा के और फूल पकड़ के जा रही होती है। वहाँ पे धानी देखती है तो सृष्टि भी दूसरी तरफ से देख लेती है कि यहाँ पे ध्रुव और धानी क्या कर रहे हैं, दोनों कोई चाल चलने तो नहीं आए हैं। फिर वहाँ पे कुछ बर्तन गिर जाते हैं, वहाँ इस वजह से धानी यहाँ पे सतर्क हो जाती है और वहाँ पे कुछ और लड़कियों को खड़ा कर देती है, खुद को गायब हो जाती है ताकि ध्रुव और धानी मुझे बिल्कुल भी ना पकड़ पाए, और धानी ध्रुव की नज़रों से गिर जाए क्योंकि वो समझ जाए कि सृष्टि नहीं है, सृष्टि को फंसाने का चाल है यहाँ पे। दूसरी तरफ उसके घर पे सृष्टि की और ध्रुव की शादी की बात चल रही होती है। पंडित को बुला के मुहूर्त निकलवा रहे होते हैं कि 15 दिन बाद शादी है सृष्टि और ध्रुव की। वहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं, पर यहाँ पे काशी जी बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। बोलते हैं 3 महीने का मुहूर्त निकलवा लें। पंडित जी बोलते हैं नहीं, मुहूर्त 3 महीने का नहीं अच्छा है, 15 दिन वाला ही अच्छा है। यहाँ पे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। और वहाँ पे पारो बोल रही होती है, यानी ध्रुव की माँ, कि यहाँ पे इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं हो सकता, घर में खुशियाँ लौट के आ रही हैं तो तुम खुशियों को क्यों रोक रहे हो, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोना धोना हो चुका है, अब ऐसा मैं नहीं देखना चाहती हूँ, अब मैं घर में खुशियाँ ही देखना चाहती हूँ। इस तरीके की बातें हो रही होती हैं। वहाँ पे फ़ोन कर देता है ध्रुव की माँ फ़ोन कर देती है सृष्टि के पास कि सृष्टि बेटा तुम मंदिर गई हो तो वहाँ पे एक आरती और एक्स्ट्रा जला देना, क्योंकि तुम्हारी और ध्रुव की शादी तय हो गई है, 15 दिन बाद शादी है। यहाँ पे बानी तो बहुत ज़्यादा सुन के हैरान हो जाती है, अब मैं कैसे धानी की मदद करूँगी, ये सोच रही होती है। दूसरी तरफ सृष्टि तो कोई मंदिर वंदिर नहीं गई होती है, वो तो एक कातिल से मिलने जाती है, और यहाँ पे उसका भाई भी बोल रहा होता है कि तलाक तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कौन सा वो दोनों साथ में रह रहे हैं, वो तो 1 साल से दूर हैं, ये तो ऐसी ही नकल करके उसकी साइन कर लेंगे धानी की, क्योंकि धानी तो साइन करने वाली नहीं है, और ये केस रफा दफा हो जाएगा, फिर सृष्टि और ध्रुव की शादी अच्छी तरीके से हम करा सकते हैं। इस तरीके की बातें हो रही होती हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे सृष्टि सोच रही होती कि ध्रुव तो मुझे पकड़ लेगा, अब मुझे कौन सा चाल चलना चाहिए। वहाँ पे उस होटल में गेट पे फ़ोन कर देता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस गेट पे ताला मार दो, और सबका मास्क उतरवा उतरवा के देख रहा होता है। दूसरी तरफ सृष्टि सोच रही होती है मैं कौन सा चाल चलूँ, तो मैं बस जाऊँ, तो वहाँ पे एक मोमबत्ती रखी होती है वो मंडक में लगा देती है कि यहाँ पे आग लग जाए, इस आग लगने का बहाना कर रही होती है और वहाँ पे लगा देती है। आग लगने लग जाता है, ध्रुव तो धानी को गुस्सा कर रहा होता है वो ज़ोर ज़ोर से कि अब तुम क्या चाहती हो, इतना तो मेरी ज़िंदगी में जहर खोल दिया और दूसरों की ज़िंदगी लेना चाह रही हो।
यहाँ पे धानी बोलती है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मैं तो अच्छा ही चाहा, ये हमारे साथ बुरा ही क्यों होते जा रहा है। फिर दूसरी तरफ सब लोग भाग रहे होते हैं और ध्रुव एक लेडीज को बचा रहा होता है, आग में फंसी हुई बचा रहा होता है। दूसरी सृष्टि भी भाग रही होती है, वहाँ पे धानी जाती है और सृष्टि का हाथ पकड़ के खींच लेती है, बोलती है दीदी तुम्हारा पर्दा फाश हो गया है, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। तुम जिससे मिलने आई थी वो तो नहीं पकड़ में आया, पर तुम्हारा सच तो सबके सामने आ गया। ध्रुव को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हाँक दे रही होती है कि ध्रुव जी आ जाओ, देखो यहाँ पे सृष्टि दी को हमने पकड़ लिया है। और इस तरीके की बातें कर रही होती है, सृष्टि का हाथ जोर जोर से पकड़ के खड़ी होती है और ध्रुव पहुँचता है, देख रहा होता है तो धानी को देख के रोने लग जाता है कि मैंने धानी के साथ ही गलत किया, क्योंकि सृष्टि तो ही मेरा बच्चा ख़राब कर दी थी, यानी सृष्टि की ही इसमें गलती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो भी होटल में नुकसान हुआ सबका भरपाई है।